लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में सोमवार को रक्त संग्रह केंद्र का शुभारंभ हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन फीता काटकर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने किया। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में एक लंबे समय से रक्त संग्रह केंद्र की मांग की जा रही थी, जो कि 21 फरवरी सोमवार को पूरी हो गई। लगभग इस अस्पताल में प्रतिदिन औसतन 1 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती ही है, जिसे देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में इसकी शुरुआत की गई है। इसका विधिवत उद्घाटन नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने फीता काटकर किया एवं यूनिट मैनेजर से इसकी जानकारी ली कि किस तरह से यहां रक्त का संग्रह किया जाएगा। फिलहाल अभी रक्तदान की सुविधा यहां उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए दुर्ग के जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा है कि जल्द ही इस शासकीय चिकित्सालय में रक्तदान की सुविधा भी उपलब्ध की जाएगी, जिस पर कार्य समिति द्वारा योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। वहीं निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल ने इस यूनिट के प्रारंभ होने के लिए शहरवासियों एवं चिकित्सा टीम को ढेरों बधाइयां दी हैं। ब्लड स्टोरेज की सुविधा इसलिए की गई है कि जो दूर दराज से मरीज आते थे उसको हम लोग तत्काल ब्लड नहीं दे पाते थे, इसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। लाइसेंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है, मेडिकल ऑफिसर ट्रेन होना चाहिए, स्टाफ नर्स होना चाहिए और उनके और जो साथी हैं वो भी होना चाहिए, प्लस इक्विपमेंट्स होना चाहिए, फ्रीजर, माइक्रोस्कोप, इनक्यूबेटर और उनके साथ में जो रहते हैं ब्लड मैचिंग के समस्त सामग्री होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने उपलब्ध करा दी। उसके बाद लाइसेंस की जो प्रक्रिया रहती है उसके बाद मिलती है, तो हम लोगों को जो लाइसेंस है वो मिल गई है। तो हम लोगों ने आज ये डिसाइड किया है, हमारे कलेक्टर महोदय साहब के द्वारा हम लोगों ने विजिट किया था और आज का तिथि फिक्स किए हैं। अब इससे क्या होगा कि हम डीपी होती है तो वहाँ से हम लोग ला के यहाँ पे स्टोरेज रखेंगे, यहाँ मैच कर। हाँ, ब्लड बैंक की स्थापना सभी CSC में किया जा रहा है और उससे हम लोग फिर वहाँ से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग यहीं प्रिंट करेंगे, यहीं डोनेट करेंगे और हमारा ब्लड स्टोरेज यहीं रहेगा, तो और सुविधा और बढ़ जाएगी। ये बहुत जरूरी जरूरत थी भिलाई नगर निगम के निवासियों के लिए, क्योंकि जब भी ये हॉस्पिटल में जब भी ब्लड की जरूरत पड़ती थी तो दुर्ग जिला अस्पताल पे डिपेंड रहना पड़ता था, क्योंकि अगर कोई ब्लड देने के लिए तैयार भी होता था तो उसका जांच करने के लिए, सैंपलिंग करने के लिए हम लोग दुर्ग जिला अस्पताल पे निर्भर रहते थे। ये व्यवस्था हो जाने से हम लोगों को भिलाई नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी एक राहत की बात हो गई है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक की अब स्थापना हो गई है। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय में रक्त संग्रह केंद्र के खुल जाने से अब यहां आए मरीजों को रक्त के लिए शहर भर में यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आने वाले समय में जब यहां रक्तदान की व्यवस्था भी सुचारू हो पाएगी, इस शासकीय चिकित्सालय में खुद का ब्लड बैंक भी स्थापित हो जाएगा, तब स्थितियां और बेहतर बन पाएंगी, जिसके लिए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल लगातार प्रयासरत हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।